देवघर को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है, जिसके बाद हर साल देवघर को बाबा मंदिर, शिवगंगा, कांवड़िया पथ और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। रघुवर सरकार इस योजना को धरातल पर उतारने में जुटी है। देवघर को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है और यही वजह है कि देश के 12 सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में देवघर का भी नाम शुमार है, जिसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। पिछले साल इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी और अब मुख्यमंत्री रघुवर दास इसे धरातल पर उतारने में लगे हुए हैं। केंद्रीय टीम ने देवघर का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन नगर निगम से मीटिंग के बाद क्लियरेंस भी दे दिया। देवघर को इस साल 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिसके तहत बाबा मंदिर पहुंचने वाले सभी रास्तों का सौंदर्यीकरण होगा। शिवगंगा और उसके आसपास के इलाकों को डेवलप किया जाएगा। आरती घाट पर पानी की सुविधा जैसे कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही चेंजिंग रूम का कायाकल्प किया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क के पास लाइट एंड साउंड का भी प्रपोजल भेजा गया है। इसके अलावा कांवरिया पथ में 4000 कैपेसिटी वाला होल्डिंग प्वाइंट बनाया जाएगा। एक प्रोग्राम इसके साथ साथ और है, कमरिया पथ का डेवलपमेंट में, उसमें 4000 आदमी कैपेसिटी का एक होल्डिंग पॉइंट, यहाँ पे आप आईपीसी के द्वारा पहले लगाया जाता था, वहाँ सारी फैसिलिटी के साथ वहाँ एक होल्डिंग पॉइंट बनाया गया। इसके अलावा देवघर बाबा मंदिर के रंग रोगन के साथ साथ इसे खूबसूरत बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। बाबा मंदिर को जाने वाली सभी गलियों में ड्रेनेज सिस्टम और नए सड़क का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रसाद योजना में देवघर के शामिल होने से भक्तों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। देवघर जो है वो ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हमारे यहाँ आए दिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए अभी प्रसाद योजना में अपना शहर सम्मिलित हो गया है और अब हम लोगों को उम्मीद है कि फंडिंग भी चालू हो गया है, तो स्वाभाविक है इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, यहाँ का विशेषताएँ, सुविधाएँ सब कुछ बदलेगा, जाने वाले श्रद्धालुओं को स्पेशल सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर रघुवर सरकार के 3 साल के कार्यकाल में देवघर ने कई उपलब्धियाँ हासिल की। इनमें से एक प्रसाद योजना भी है, जिससे देवघर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।